अधिवेशन पूना में प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो प्राध्यापक देशपांडे नाम का पूना का ब्राह्मण उसमें एक्सपर्ट के तौर पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उसका भाषण लोक सत्ता नाम का मराठी अखबार में छप कर आया था। उसमें देशपांडे ने एक सिद्धांत शिवसेना के लोगों को समझाया और सिद्धांत का एक सेंटेंस उसमें छप कर आया था। वो एक सेंटेंस आपको बताता हूं। उस देशपांडे ने शिव सैनिकों को समझाया, क्या समझाया, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। दोबारा बताता हूं, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। आधा बताया, आधा छोड़ दिया, क्योंकि दूसरा जो आधा है अगर वो बोलता तो उस पर कानून आईपीसी का कानून लग जाता। मैं बता देता हूं, आधा बताया उसने, आधा छोड़ दिया। और प्रतिक्रिया फसाद से होती है, कुछ समझ आया। देशपांडे कहता है हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, यदि यह प्रतिक्रिया मुसलमानों के ऊपर की जाए तो हिंदू जल्दी जागृत होता है, समझ आ रहा है। यदि यह प्रतिक्रिया मुसलमानों पर की जाए ज्यादा जल्दी जागृति होती है। एससी एसटी ओबीसी और मराठा के अंदर जागृति के बजाय प्रति जागृति की जा सकती है। प्रति जागृति का मतलब है मूर्ख बनाने की कला, प्रति जागृति का अर्थ है मूर्ख बनाने की कला, यानी प्रति जागृति निर्माण करते हैं, फिर जबरदस्ती से हिंदू बनाते हैं और फिर उन हिंदुओं का चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको उदाहरण बताता हूं, करंट उदाहरण 2008 21/11 को पाकिस्तान से भारत के अंदर कुछ लोग मुसलमान पाकिस्तान के घुसकर आए, ऐसा उस समय की कांग्रेस सरकार ने बताया। मुशरिफ साहब है आईजी, रिटायर्ड हो गए महाराष्ट्र से पुलिस विभाग के, उन्होंने हु किल्ड करकरे नाम का किताब लिखा। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया कि 15 दिन पहले या एक महीना पहले अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने भारत सरकार को पाकिस्तान से कौन से लोग भारत में घुसने वाले हैं, कौन से रास्ते से घुसने वाले हैं, कराची से कौन से तारीख को निकलने वाले हैं, कौन सी नाव उन्होंने बुक की है, कौन से रास्ते से आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं, उनका मोबाइल नंबर सारा का सारा भारत सरकार को बताया। मगर भारत सरकार ने जानकारी होने के बावजूद भी किसी भारत सरकार ने उनको नहीं रोका, उनको भारत में आने दिया, रेलवे स्टेशन में घुसने दिया, रेलवे स्टेशन में गोली चलाने दिया, रेलवे स्टेशन में 200 लोगों को मारने दिया। मारने से, लोगों को मारने से आप कल्पना कर सकते हो कि कितना भयंकर हंगामा खड़ा होता है, और ऐसा हंगामा खड़ा हुआ और सारे देश के टीवी में, सारे देश के अखबारों में सारा का सारा जो है हंगामा खड़ा करवाया गया। फिर उसके बाद उन लोगों को ताजमहल होटल में भी घुसने दिया गया, सरकार को सब मालूम, घुसने दिया गया, वो उन्होंने पोजीशन लिया। फिर उसके बाद भारत सरकार ने, जैसे वो कोई पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे कोई पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसे मिलिट्री का कमांडो ग्रुप उधर लगाया और लगाकर मिलिट्री के कमांडो ग्रुप को लगाया। कमांडो ग्रुप को लगाने की कार्रवाई 72 या और कई घंटे चलती रही। ये सारी कार्रवाई भारत सरकार के अनुमति से टीवी वाले 121 करोड़ के लोगों को टीवी पर लाइव लड़ाई दिखा रहे थे। याद है आप लोगों को, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं उस तारीख को ऑस्ट्रेलिया में था और एक सरदार के घर में था और होम थिएटर बहुत बड़ा साइज का टीवी पर वो मैं देख रहा था लाइव। मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि इस तरह की सीक्रेट कार्रवाई इसको लाइव टेलीकास्ट कैसे दिखाया जा रहा है।
अगर ये लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है तो पाकिस्तान में भी दिखता होगा, यदि पाकिस्तान में दिखता होगा तो पाकिस्तान के जो लोग उन्होंने यहाँ भेजे हैं वो लोग भी देखते होंगे, यदि वो देखते होंगे तो वो अपने लोगों को टेलीफोन से खबर भी करते होंगे, खबरदार भी करते होंगे। क्या ये भारत सरकार के लोगों को समझ में नहीं आता? मेरे जैसे नॉन मिलिट्री आदमी को समझ में आता है? भारत सरकार चलाने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है? आती है, मेरे से ज्यादा आती है। अगर आती है तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनको मालूम था 72 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के विरोध में जब लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ने के बाद जब उसने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद 368 सीटों पर चुनाव जीता।